एक बड़ा मामला है। जब जीएसटी लागू किया गया और तब उस समय केंद्र की सरकार ने जो उत्पादक राज्य हैं उसे वेट में नुकसान होता और इसलिए 5 साल के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ हर साल जीएसटी क्षतिपूर्ति का मिलता रहा, लेकिन जून में वो बंद हो जाएगा। इस दौर में, इस बीच में जहां कोरोना के कारण से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुई, केंद्र सरकार ने जीएसटी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए भी कहा। अब चूंकि लोन भी ले रहे हैं, भारत सरकार दे भी नहीं पा रही है, ऐसे समय में जहां विपरीत परिस्थिति में उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था, फिर भी छत्तीसगढ़ ने पूरी क्षमता के साथ इसको संचालित किया, पूरा संरक्षण दिया। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। और इसके पहले केंद्रीय बजट आने के पूर्व वित्त मंत्री ने जब बैठक रखी थी उसमें भी मैंने प्रमुखता से ये बात उठाया कि क्योंकि जून में जीएसटी क्षतिपूर्ति भारत सरकार देना बंद कर देगी, ऐसे में उसकी कुछ न कुछ व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए। इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि जो उत्पादक राज्य हैं और उत्पादन से यदि नुकसान होता है तो फिर उन राज्यों में फिर औद्योगिक गतिविधियों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आखिर क्यों उद्योग लगाएंगे यहाँ? क्योंकि हम उत्पादन करेंगे, फायदा दूसरे राज्यों को मिलेगा, तो फिर ऐसे में औद्योगिकरण के खिलाफ वातावरण बनेगा। तो भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इस मामले में और 10 वर्षों के लिए ये जो क्षतिपूर्ति दे रहे थे उसे बढ़ाया जाना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आखिर जीएसटी भारत सरकार को देना था, कानून बना, नहीं दे पा रहे थे। उस समय भी बात हुई कि उन्होंने कहा राज्य सरकार लोन ले ले और पेमेंट की गारंटी राज्य सरकार दे और उसकी पूर्ति हम करेंगे। उस समय भी निर्मला सीतारमण जी से मैंने यही कहा कि भाई हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी, ऐसे में भारत सरकार ही लोन लेके हम लोगों को दे दे और जो हमारी जो उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है तो फिर पटाने काम भी वो करे। ये बात उस समय भी मैंने कही थी। अब भारतीय जनता पार्टी के से अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है, समझ नहीं आया। उस समय भी जीएसटी लागू किए थे तब भी हमारे नेताओं ने कहा कि गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। अब वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक तो जीएसटी कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रतिस्पर्धा हो रही पेट्रोल और डीजल में, तो और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। अब राज्यों को इसका घाटा होगा, तो ये राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय इस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।